ई फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रोफेसर अमित फरदेसी सो आज के वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के वीडियो देखने के बाद रियली आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा टॉपिक क्या है आज का टॉपिक आज का टॉपिक क्या है दैट्स राइट right. आज का टॉपिक है अबाउट नंबर्स आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों ओके okay? आज के टॉपिक में आज हम रियल नंबर्स के रियल नंबर्स के वेरियस टाइप्स जो है उनके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं सच एस नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स इनके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों ओके ओके बचपन में आपने एक राइमिंग uh, पोएम सुना होगा राइट राइमिंग पोएम वन टू थ्री फोर फाइव आई कॉट अ लाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन नाइन लेट हिम गो अगेन सुना है ना ये तो इसमें आपने इस राइमिंग पोएम में क्या देखा वन टू थ्री फोर फाइव नंबर्स काउंटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था राइट right? तो आज हम काउंटिंग नंबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के वेरियस टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं चलिए लेक्चर शुरू करते हैं और आपके सिलेबस का पहला चैप्टर रैशनल इेशनल नंबर जिसे हम बेस से पढ़ाई करेंगे बच्चों रेडी कौन So, बच्चों हम सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में ओके okay? सबसे पहले काउंटिंग नंबर शुरू होता है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इन्हें एन से डिनोट किया जाता है ओके okay? लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो ऐड कर दू जीरो के साथ बोलूं तो फिर वो पूरा कॉम्बिनेशन वो काउंटिंग नंबर्स का कॉम्बिनेशन होल नंबर बन जाता है और उसे हम W से डिनोट करते हैं अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दूं, जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर एंड सो ऑन तो फिर वो सारे नंबर्स को मैं इंटीजर्स बोलूंगा क्या बोलूंगा बच्चों इंटीजर्स सो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं बच्चों एम जीरो भी होता है ओके okay? सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट इन टीजर्स विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो और जीरो के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा जीरो को ना हम पॉजिटिव कहते हैं और ना उसे नेगेटिव कहते हैं जीरो इज ना इधर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर तो क्या देखा हमने कि अगर मैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन बोलता हूं तो वह नेचुरल नंबर है लेकिन अगर मैं उसमें जीरो ऐड कर देता हूं तो होल नंबर हो जाता है और होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देता हूं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं क्या बन जाते हैं इंटीजर्स और इनके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं राइट चलिए ना मैं अभी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं वेरी सिंपल क्वेश्चन आर देर एनी नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन क्या जीरो और वन के बीच में जीरो एंड वन के बीच में नंबर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों वन और जीरो के बीच में जैसे वन अपॉन टू ओके वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर वन अपॉन फाइव एंड सो ऑन सोच भी नहीं सकते हम इतने सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे हमें ओके okay? सच एस और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जैसे 0.1, 0.11, 0.111 एंड so so, सो ऑन सो सोचिए बच्चों सोचिए जीरो और वन के बीच में सवाल क्या था क्या नंबर्स है यस yes. कितने इंफनाइट आप काउंट नहीं कर सकते इतने नंबर्स मिलेंगे तो क्या सीखा हमने कि टेक एनी टू इंटीजर्स आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए उन दो इंटीजर्स के बीच में आपको इंफिनाइट नंबर्स ऑफ काउंटिंग्स मिलेगी आपको इतने सारे नंबर्स मिलेंगे आप काउंट नहीं कर सकते सो so, सवाल क्या था आर देर एनी नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन यस देर आर मेनी 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 नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन जीरो वन की बात नहीं करता हूं मैं कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लीजिए उसके बीच में आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे बच्चों ओके okay. नाउ बिटवीन एनी टू इंटीजर्स जो अभी हमने देखा बच्चों बिटवीन टू एनी इंटीजर्स दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं ओके okay, वो मे बी इन फ्रैक्शन होते हैं या मे बी इन डेसिमल फॉर्म में होते हैं ओके मे बी इन फ्रैक्शन और मे बी इन डेसिमल फॉर्म ओके और उन फ्रैक्शंस और उन डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों नॉन इंटीजर्स नंबर्स क्या कहते हैं नॉन इंटीजर्स नंबर्स तो दो इंटीजर्स के बीच में ओके okay? दो इंटीजर्स के बीच में आपको क्या मिलेंगे नॉन इंटीजर्स नंबर्स मिलेंगे और वो नॉन इंटीजर्स नंबर्स आपको देखने में कैसे रहेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे या फिर डेसिमल फॉर्म में होंगे ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों एम राइट सो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देर आर मैनी नॉन इंटीज नंबर्स एंड दोज नॉन इंटीज नंबर्स मे बी इन अ फ्रैक्शन और मे बी इन अ डेसिमल फॉर्म ओके नाउ बच्चो इंटीजस फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स जब मैं इन सबको एक साथ ले लेता हूं जब मैं इन सबको एक साथ ले लेता हूं तो बच्चों यहां पर बनता है रैशनल नंबर क्या बनता है रैशनल नाम्बर सो so, बच्चों इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिला के जो बनता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं सो व्हाट इज अ रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स को हम नॉन इंटीजर्स कहते हैं तो अगर आप फ्रैक्शन और डेसिमल एक साथ नहीं बोल रहे हो तो नॉन इंटीजर्स भी बोल सकते हो बच्चों तो इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स को अगर मैं साथ में रखूं तो क्या बनेगा इंटीजर क्या है इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स क्या है रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं ओके okay? भूलना नहीं है बच्चो ओके okay. नाउ, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ाई करेंगे अभी ओके रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एम अपॉन एन मैं क्या कह रहा हूं रैशनल नंबर को हम एम अपॉन एन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं सच दैट कि एम इंटीजर होना चाहिए एन वो भी इंटीजर होना चाहिए एंड द कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइड एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि बच्चों अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया ना डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो उसका कोई आंसर मतलब वो नॉन डिफाइन है हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया सो दैट फ्रैक्शन कैनॉट बी डिफाइंड ओके सो एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो रेस्टल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एम अपॉन एन वेर एम एंड एन शुड बी इन एन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो ओके नाउ स्टूडेंट्स एक बड़ा सिंपल था क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूं रैशनल नंबर को समझने के लिए रैशनल नंबर को समझने के लिए यह एग्जाम्पल लिया है मैंने बच्चों अगर यह एग्जाम्पल समझ में आ गया तो रैशनल नंबर क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा रेडी सो क्वेश्चन है इस नेचुरल नंबर थ्री इज नेचुरल नंबर थ्री ऑल्सो रैशनल नंबर देखते हैं ये है थ्री ओके okay? बच्चों ये है थ्री ये है नेचुरल नंबर क्या ये रैशनल नंबर भी है चलो देखते हैं थ्री के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बच्चों तो क्या हो गया ये वन होगा राइट ना एम की जगह पे कौन है थ्री एन की जगह पे कौन है वन और क्या एन इक्वल टू जीरो दिख रहा है नहीं मतलब व्हाट इज थ्री व्हाट इज थ्री थ्री इज नथिंग बट थ्री अपॉन वन एंड थ्री अपॉन वन इज नथिंग बट एम अपॉन एन फॉर्म वेर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब थ्री अपॉन वन इज अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर कहने का मतलब बच्चों कि थ्री रैशनल नंबर है मतलब जितने नेचुरल नंबर है ना वो सब रैशनल नंबर है ओके okay, क्लियर हो गया बच्चों आपको तो थ्री हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए उसके डिनोमिनेटर में वन होगा होगा ना तो सिक्स ले लिया तो सिक्स अपॉन वन सिक्स अपॉन वन क्या है इज अ रैशनल नंबर क्योंकि सिक्स क्या, क्या है क्या वो इंटीजर नहीं है, है। नीचे वन क्या वन इंटीजर नहीं है, है। तो टर भी इंटीजर है भी इंटीजर और जीरो से इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा जैसे zero, so यहां पर थ्री वो कंडीशन फुलफिल करता है जो कंडीशन रैशनल नंबर के लिए होता है ओके चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है इज टू पॉइंट फाइव इज अशनल नंबर क्या टू पॉइंट फाइव रैशनल नंबर है चलो चेक करेंगे बच्चों टू पॉइंट फाइव कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी फाइव अपॉइंट टेन येसोनो लिख सकते हैं ना हम लोग ये सोनो ओके एंड ट्वेंटी फाइव अपॉइंट टेन कैन बी रिटर्न एस फाइवॉइंट टू आफ्टर कैंसिलेशन आफ्टर कैंसिलेशन क्या फाइव पॉइंट टू आ सकता है यस yes, आ सकता है जब हम इसे फाइव के टेबल में कट करेंगे तो फाइव पॉइंट टू आएगा नाउ स्टूडेंट ये फाइव क्या ये इंटीजर है यस yes. क्या ये टू इंटीजर है यस yes. ओके okay. क्या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो है यस yes.

तो यहां पर एम भी इंटीजर है एन भी इंटीजर है और एन की जगह पे जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इज ऑल्सो नंबर ओके तो हमने क्या देखा बच्चों यहां पर कि जो रैशनल नंबर है वो एम अपॉन एन फॉर्म में होता है जहां पे एम एंड एन आर द इंटीजर्स एंड एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और एम और एन में सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होता है वो वन होता है ओनली वन वन को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर आपको एम और एन में देखने को नहीं मिलेगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको वन को छोड़ के और भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा ऐसे फ्रैक्शंस को या ऐसे डेसिमल्स को या ऐसे इंटीजर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं बच्चों ओके सो so, अब पूरे जो हमने अभी कंक्लूजन लिया है स्टोरी का उसको एक डेफिनेशन फॉर्म में मैंने यहां पर रखा है चलिए इस डेफिनेशन को प्रॉपरली देखते हैं बच्चों ओके और रेशन नंबर क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं रेडी सो रेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड और यू कैन से क्यू से हम उसे डिनोट करते हैं ओके एनी नंबर्स बच्चों एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड

एन टू रैशनल नंबर्स के बीच में टू रैशनल नंबर्स के बीच में आपको मिलेंगे इनफनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स इनफनाइट नंबर्स मतलब बहुत सारे मिलेंगे और ये तो मैंने आपको लेक्चर के बिगनिंग में आज के वीडियो के बिगनिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था कि कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में आपको बहुत सारे नॉन इंटीजर्स मिलेंगे और इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स टूगेदर इज नथिंग बट नंबर्स क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अब रैशनल नंबर्स वैरायटी ऑफ टाइप के होते हैं मतलब उसके अंदर आपको बहुत सारे देख, देखने को मिलेंगे नंबर्स चलिए उन्हें थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं बच्चों चलिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ध्यान देना है आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटरी और रिकरिंग फॉर्म एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे जो टर्मिनेटिंग होता है जो रिकरिंग होता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं जो फ्रैक्शन आफ्टर डिवीजन जो फ्रैक्शन आफ्टर डिवीजन टर्मिनेट हो जाता है या फिर रिकरिंग में रहता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं ध्यान से सुनिए जो फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन आफ्टर डिवाइडिंग मतलब आफ्टर डिविजन टर्मिनेट हो जाता है या फिर रिकरिंग फॉर्म में रहता है उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं ओके okay? चलिए पहला एग्जाम्पल लेंगे हम यहां पर अपॉन फ्रैक्शन का दिस इज अ फ्रैक्शन अपॉन टू अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं मतलब डिवीजन करता हूं मैं अगर यहां पर तो आंसर मिलेगा टू पॉइंट फाइव यहां पर टू पॉइंट फाइव पर डिविजन एंड हो गया डिविजन एंड हो गया एंड हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट हो गया टू पॉइंट फाइव इज नथिंग बट रैशनल नंबर ओके फाइव पॉइंट टू क्या है रैशनल नंबर क्योंकि उसका डिवीजन टर्मिनेट होता है उसका डिवीजन टर्मिनेट होता है ओके नाउ सेवन अपॉइंट टेन सेवन टेन का अगर मैं डिवीजन करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट सेवन और वहीं पे वो डिवीजन खत्म हो जाएगा मतलब टर्मिनेट हो जाएगा तो जीरो पॉइंट सेवन क्या है रेशनल नंबर सेवन अपॉइंट टेन क्या है रैशनल नंबर सेवन अपॉइंट फोर सेवन अपॉन फोर का अगर मैं डिवीजन करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा और डिवीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा बच्चों जब डिवीजन खत्म हो जाता है इसका, मतलब, हो जाता है, इसका मतलब कि क्या है? वो भी रैशनल नंबर है तो दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टर्मिनेटिंग नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स को रैशनल नंबर्स भी कहते हैं चलो अभी रिकरिंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं रिकरिंग के ओके टेन अपॉन थ्री अगर मैं टेन अपॉन थ्री का डिविजन करूंगा बच्चों तो मुझे आंसर मिलेगा जीरो सॉरी थ्री पॉइंट होता रहेगा बच्चों रिकरिंग होता रहेगा डिविजन एंड नहीं होगा रिकरिंग होता रहेगा ओके सो टेन अपॉन थ्री टेन अपॉन थ्री को जब मैं डिविजन करता हूं तो थ्री पॉइंट थ्री 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 ऐसे रिकरिंग आएगा एंड इट कैन बी रिटर्न एज थ्री पॉइंट अब ये थ्री रिपीट हो रहा है इसलिए हम एक थ्री लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे डॉट दे देंगे या फिर उसके ऊपर ऐसे बार दे देंगे बार मतलब डैश देंगे ओके सो थ्री पॉइंट थ्री 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 रिकरिंग कैन बी रिटर्न थ्री पॉइंट थ्री उसके ऊपर डॉट या फिर थ्री पॉइंट थ्री उसके ऊपर बार हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों ओके सो दिस रिकरिंग नंबर थ्री पॉइंट थ्री 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 दिस रिकरिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर दैट मीनस टेन अपॉइंट थ्री टेन अपॉइंट थ्री भी रैशनल नंबर है क्योंकि वो फ्रैक्शन जब डिवाइड होता है जब उसमें डिविजन होता है तो हमें रिकरिंग नंबर मिलता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों रिकरिंग नंबर ओके ना एक और एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर टू अपॉइंट थ्री जब मैं इसका डिविजन करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है जीरो पॉइंट सिक्स 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 और ऐसे ही रिकरिंग चलता रहता है कैन बी रिटर्न जीरो पॉइंट सिक्स उसके ऊपर डॉट या फिर जीरो पॉइंट सिक्स उसके ऊपर एंड टू अपॉन थ्री इट इज ऑल्सो नंबर सेम मैंने एक और एग्जाम्पल यहां पर लिया है बच्चों वन अपॉन सेवन जब मैं इसका डिविजन करता हूं तो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन उसके बाद अगेन वन फोर टू एट फाइव सेवन फिर उसके बाद वन फोर टू एट फाइव सेवन ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा मतलब रिकरिंग हो रहा है क्या रिकरिंग हो रहा है 142857, ये हो रहा है तो हमने उसके पर ऐसे बार कर दिया तो ये जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है और वन पॉइंट सेवन ये भी रैशनल नंबर है दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग द वर्ड इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग ओके जो टर्मिनेट हो जाता है डिवीजन के बाद ओके okay, जो फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर होता है अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग है टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिकरिंग है तब भी वो रैशनल है तो दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन डोंट फॉर्गेट इट ये वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो टर्मिनेट होता है या फिर जो रिकरिंग होता है उन्हीं को रैशनल नंबर कहा जाता है ओके चलिए अब एक चार्ट के थ्रू एक चार्ट के थ्रू समझेंगे ओके सबसे पहले रियल नंबर जो मेन है ओके हम रियल नंबर्स को यूज करते हैं मैथमेटिक्स में रियल नंबर इज डिवाइडेड ओके रियल नंबर इज डिवाइडेड बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होता है एक रैशनल और दूसरा इरेशनल रियल नंबर इज डिवाइडेड इंटू रैशनल एंड इेशनल फॉर्दर रैशनल इंटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। रैशनल होता है इंटीजस में, में दो पार्ट होते हैं दैट इज ऑल्सो टू पार्ट इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजस और मे बी होल नंबर मे बी होल नंबर ओके इंटीजस के दो पार्ट है नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन Whole number 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Okay. Then, non integers. Non integers further divide in two parts: terminating and recurring. Terminating and recurring. Okay. Now, whole number. होल नंबर फर्दर डिवाइड होते हैं जीरो एंड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और जीरो को ऐड कर दीजिए होल नंबर बनेगा होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर्स डाल दीजिए इंटीजर्स इंटीजर्स बनेगा एंड नॉन इंटीजर्स को टुगेदर रख दीजिए रैशनल नंबर बनेगा रैशनल और इरेशनल को टुगेदर रख दीजिए रियल नंबर बनेगा द इंटायर चार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा राइट right, बच्चों तो ये पूरा चार्ट के थ्रू हमने नंबर्स के बारे में देखा ओके okay? ना अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं टू शो द रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आज हम वो सीखेंगे बच्चों ठीक है सबसे पहले नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर को देखिए यहां पर बच्चों आपको देखना है तो ही समझेगा आपको पेअेंशन येचुरल नंबर दैट इज वन टू एंड सो ऑन ओके ये क्या हो गया नेचुरल नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर उन्हें रिप्रेजेंट करके देख लिया वन क्या है नेचुरल टू क्या है नेचुरल उसके आगे थ्री उसके आगे फोर उसकी फाइव ये सब नेचुरल नंबर है नाउ रिप्रेजेंटिंग द होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन यह सारे क्या है होल नंबर्स और हमने उन्हें क्या किया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया अभी इंटीजर्स ओके माइनस टू माइनस वन जीरो सारे क्या है इंटीजर्स है ओके नाउ नॉन इंटीजर्स की बात करते हैं नॉन इंटीजर्स जब आ जाते हैं ना बच्चों नॉन इंटीजर्स मतलब फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या था बच्चों फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स ओके अब जैसे यहां पर वन और टू के बीच में कौन है थ्री अपॉन टू ओके जीरो और वन के बीच में कौन है वन अपॉन टू तो ये जो है ये नॉन इंटीजर है ये क्या है नॉन इंटीजर्स वैसे जीरो और माइनस वन के बीच में है माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन और माइनस टू के बीच में माइनस थ्री अपॉइंट टू तो ये सब क्या है नॉन इंटीजर्स है नॉन इंटीजर्स सो सारे इंटीजर्स एंड सारे नॉन इंटीजर्स ये सब कुछ आपको नंबर लाइन पे दिख रहा है और ये सारे के सारे कौन है रैशनल नंबर्स ओके तो ये जो भी दिखाई दे रहे नंबर्स आपको नंबर लाइन के ऊपर उन्हें हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर्स तो यहां पर आपको इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं यहां पे आपको नॉन इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे हमने नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट कर दिया है इंटीजर्स टुगेदर विथ नॉन इंटीजर्स इज़ नथिंग बट रैशनल नंबर्स चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओके चलिए बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चो शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है थ्री अपॉइंट टू फाइव अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट माइनस थ्री अपॉइंट टू जब डिनोमिनेटर में टू दिखाई देता है इट इज टू इन द डिनोमिनेटर सो मार्क मार्क ओके बिटवीन ईच यूनिट आपको हर एक यूनिट के बीच में वन मार्क करना है समझाता हूं बच्चों इधर देखिए ये है जीरो और ये है वन ये है टू ये है थ्री ये है फोर ओके okay. ये है वन यूनिट क्या है बच्चों ये वन यूनिट ओके आपको क्या करना है जब डिनोमिनेटर टू होता है तो वन यूनिट के बीच में आपको एक मार्क करना है वन यूनिट ये भी वन यूनिट है बच्चों वन यूनिट उसके बीच में एक मार्क करना है ये भी क्या है वन यूनिट ओके और आपको उसके बीच में एक मार्क करना है अगर डिनोमिनेटर टू है तो वन यूनिट के बीच में एक मार्क होगा टू से कम लेने का टू से कम टू से कम क्या है वन ओके उससे एक कम लेने का है तो डिनोमिनेटर टू है तो उससे एक कम लो लो एक कम क्या है वन अगर डिनोमिनेटर यहां पे फोर होता क्या होता 4, फोर तो आप यहां पे कितना करते थ्री करते अगर थ्री होता तो टू करते फाइव होता तो फोर करते मतलब वन यूनिट के बीच में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां डिनोमिनेटर टू नहीं है डिनोमिनेटर फाइव होता तो आप इस वन यूनिट के बीच में चार डॉट लेते कितने डॉट लेते बच्चों चार डॉट मैं रिपीट कर रहा हूं अगर डिनोमिनेटर में फाइव होता तो आप क्या करते उससे एक कम उससे एक कम इस वन यूनिट के अंदर यूनिट के अंदर आप कितने डॉट करते फाइव से एक कम मतलब चार वन टू थ्री फोर ऐसे चार डॉट लेते आप ठीक है क्लियर ना थ्री अपॉइंट टू थ्री टू देखो बच्चों जीरो वन ओके वन अपॉइंट टू उसके बाद वन देन थ्री अपॉइंट टू उसके बाद टू उसके बाद फाइव अपॉइन्ट टू एंड देन उसके बाद थ्री इस तरीके से कैलकुलेशन होता है बच्चों ठीक है थ्री अपॉइंट टू आपको किसके बीच में मिला वन और टू के बीच में तो ये है वन ये है टू और उसके बीच में आपको मिला थ्री अपॉइंट टू ओके सेम नेक्स्ट है फाइव अपॉइंट टू अपॉइंट टू आपको किसके बीच में मिला बच्चों टू और थ्री के बीच में ये टू है ये थ्री है और इसके बीच में आपको मिला फाइव अपॉइंट टू ओके देन माइनस थ्री अपॉइंट टू है माइनस थ्री अपॉइंट टू आपको मिलेगा माइनस टू और माइनस वन के बीच में ठीक है इसे काउंटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं देखिए ध्यान से वन टू थ्री तो ये जो पॉइंट है वो माइनस थ्री अपॉइंट टू है देन यहां पे देखिए फोर फाइव मतलब ये होगा माइनस फाइव अपॉइंट टू सिक्स सेवन तो ये होगा माइनस सेवन अपॉइंट टू समझा आपको बच्चों ओके okay. चलिए एक और एग्जांपल लेंगे यहां पर डिनोमिनेटर में फाइव है बच्चों डिनोमिनेटर में फाइव है जब डिनोमिनेटर में फाइव होता है तो हम कितने मार्किंग करेंगे बच्चों फोर मार्किंग करेंगे चलो मैं आपको करके दिखाता हूं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये एक यूनिट है जीरो और वन के बीच में एक यूनिट है उसमें चार डॉट कर दिए सेम यहां पर भी एक यूनिट है यूनिट उसमें चार डॉट करेंगे टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके चलिए सबसे पहला नंबर है सेवन अपॉन फाइव सेवन अपॉन फाइव कहाँ होगा चलो शुरू करते हैं पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव साइड रहेगा ओके जीरो से देखेंगे वन अपॉन फाइव फाइव इसलिए क्योंकि हमने हमारे डिनोमिनेटर में फाइव है और हमने फोर पार्टस किया है ठीक है सेकेंड डॉट होगा टू अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव और ये जो वन है ये होगा फाइव अपॉन फाइव देन उसके बाद सिक्स अपॉन फाइव उसके बाद सेवन अपॉन फाइव तो उसके बाद जो है वो है सेवन अपॉन फाइव तो ये है सेवन अपॉन फाइव ओके नेक्स्ट है माइनस टू अपॉन फाइव माइनस टू मतलब नेगेटिव साइड आपको देखना है जीरो के बाद माइनस वन अपॉन फाइव और ये है माइनस टू अपॉन फाइव ओके माइनस टू अपॉन फाइव तो बच्चों ये मिल गया मुझे एक और नंबर उसके बाद माइनस फोर अपॉन फाइव नेगेटिव साइड तो ये हो गया आपका माइनस थ्री अपॉइन फाइव और उसके बाद है माइनस फोर अपॉन फाइव तो ये मिल गया मुझे तीसरा नंबर तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर एट है बच्चो एट तो हम कितना लेंगे उससे एक कम दैट इज सेवन सेवन मार्किंग लेंगे तो जीरो और वन के बीच में हम सेवन मार्किंग लेंगे कितने मार्किंग लेंगे सेवन ओके पहला नंबर है माइनस फाइव अपॉन एट माइनस फाइव माइनस फाइव मतलब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइड जाना होगा हमको तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये जो नंबर है बच्चों ये है माइनस फाइव अपॉन एट ओके देन इलेवन अपॉन एट दैट इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड जाएंगे ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये जो नंबर है वो है इलेवन अपॉन एट तो इस तरीके से हमने यहां पर इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उससे एक कम एक कम आपको मार्किंग करना है वन यूनिट के अंदर ओके ओके चलिए अब हम डायग्राम को देखकर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी पॉइंट पॉइंट बी बी ये ये रहा ये रहा क्या इंडिकेट कर रहा है इसके नीचे कौन सा नंबर है चलो सोचेंगे समझेंगे रेडी जीरो से शुरू करेंगे और माइनस वन दोनों के बीच में कितने मार्किंग है मार्किंग देखिए कितने वन टू थ्री मार्किंग है थ्री मार्किंग है इसका मतलब कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है चार पार्ट में देखो चार पार्ट में डिवाइडेड है तो मार्किंग कितना होगा थ्री ओके okay? चार पार्ट में डिवाइडेड है तो मार्किंग कितना होगा थ्री और मार्किंग तीन है तो फिर पार्ट कितने हो गए चार मतलब डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा चार दिखेगा डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा बच्चों चार दिखेगा ओके मतलब फोर दिखेगा तो ये पहला हो गया माइनस वन अपॉन फोर दूसरा हो गया माइनस टू अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस फोर अपॉन फोर माइनस फाइव अपॉन फोर माइनस सिक्स अपॉन फोर माइनस सेवन अपॉन फोर माइनस एट अपॉन फोर माइनस नाइन अपॉन फोर माइनस टेन अपॉन फोर तो ये हो गया माइनस टेन अपॉन फोर सो बी के नीचे आपको मिलेगा माइनस टेन अपॉन फोर क्या मिलेगा बच्चों माइनस टेन अपॉन फोर ओके नाउ विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर वन थ्री बाय फोर वन थ्री बाय फोर को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में रखता हूँ तो फोर वन ज फोर प्लस थ्री सेवन अपॉन फोर होता है सेवन अपॉइंट फोर इज अ पॉजिटिव देखते हैं कौन है सेवन अपॉइंट फोर पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये पॉइंट है सेवन अपॉन फोर और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सी पॉइंट सो आंसर इज सी ओके आंसर इज सी ओके स्टेट वेदर द स्टेटमेंट मतलब आपको बताना है कि पॉइंट डी डिनोट द नंबर फाइव अपॉइंट टू इज थ्रू और फॉल्स थ्रू है कि फॉल्स है पता करना है चलो डी को देखते हैं ओके okay? ये रहा डी दिस इज डी ओके यहां तक सेवन था एट नाइन टेन तो यह है टेन अपॉन फोर ओके सो डी इज नथिंग बट ओके टेन अपॉन फोर टेन अपॉन फोर अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो क्या बनेगा फाइव अपॉइन्ट टू बनेगा तो डी पे मुझे टेन अपॉन फोर मिलता है जो कैंसिल करके फाइव पॉइंट टू मिलता है इसका मतलब पॉइंट डी डिनोट द नंबर फाइव अपॉइंट टू इस थ्रू ओके थ्रू क्लियर बच्चों समझा आपको तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा एम राइट सो आज का लेक्चर आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे बच्चों आई होप दैट आई होप दैट कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा ओके okay, नंबर्स के बारे में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इस टॉपिक से रिलेटेड मजेदार कंसेप्ट के साथ और कुछ टेक्चुअल क्वेश्चन के साथ सो so, घर पर रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच बाय